यदि अपन मजबूती से एक साथ एक ताकत से नहीं लड़े तो ये अन्याय प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक ना एक दिन होना तय है। आज इन बहनों के साथ हो गया, कल मेरी बहन के साथ होगा, अगले दिन किसी आप भाई की बहन बेटी के साथ होगा। तो सोचिए इस बीमारी को यदि अपन लोग यही खत्म करके इस देश के अंदर एक न्याय की नई मुहिम चलती है, अन्याय का खात्मा होता है, तो इन किसान परिवार से आने वाले लोगों को कितनी मजबूती मिलेगी, कितना बड़ा मंच मिलेगा आगे, ये अपने देश के लिए कितने अच्छे और कार्य करेंगे। यदि अपन लोगों का मनोबल, जो गांव से निकल के जो लोग आते हैं हमेशा उन लोगों के साथ अन्याय की शुरुआत करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि वो बड़ी मजबूती से पूरी ताकत से लड़ते हैं और कुछ कर गुजरने का अपने अंदर मजबूत बल रखते हैं। ये पहलवान है, ये मिट्टी से उठ के आए, मिट्टी से उठ के ये आगे आए। यदि इन लोगों के साथ अन्याय होगा तो ये गांव ठाणियों के लोग कभी सोचेंगे नहीं विदेशों के अंदर जाके और इस देश के लिए लड़के कुछ जीतने के लिए, जिनमें काबिलियत नहीं होगी उन लोगों को यदि थोपा जाएगा, स्थापित किया जाएगा। ये सोचिए अपने देश के इस लोकतंत्र के अंदर इस प्रकार के हालात है, आज राजधानी के अंदर, देश की राजधानी के अंदर अपन लोग बैठे हैं और इस प्रकार के अन्याय का सामना, सोचिए इन बहनों ने कितनी पीड़ा का सामना किया होगा तब उन्होंने ये डिसीजन लिया है और ये संघर्ष का रास्ता चुना है। यदि इसके अंदर आज पूरे देश के लोग इनके साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे तो मैं मानता हूँ किसी भाई बहन के साथ अन्याय करने से पहले ये बड़े लोग जो बड़े मंचों पे बैठे हैं इनको बड़ा अपन लोग ही बनाते हैं और ये सबसे पहले अन्याय करने की शुरुआत अपने से शुरू करते हैं, तो उसका अपने को खात्मा करना है। मिट्टी में लड़के ये लोग इस देश के लिए सोना जीत के आते हैं, जब ये जीत के आते हैं तब देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सारे मंत्री फोटो खींचते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, मिलते हैं, मन की बातें करते हैं। लेकिन आज क्या स्थिति है, इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है तो इन लोगों से कोई बातचीत करने के लिए, इनके साथ न्याय की बात करने के लिए ये आगे क्यों नहीं आ रहे। देश के अंदर जगह जगह चुनाव होते हैं, हर जगह प्रत्येक व्यक्ति यह बोलता है किसान के लिए अच्छा काम करेंगे, मजदूर को मजबूत करेंगे, मजदूर की ताकत बनेंगे। सोचिए जब अपने साथ अन्याय होता है तो कितने लोग अपनी ताकत बनने के लिए आते हैं, तो अपन सब लोगों को मिलकर मजबूती से लड़ना पड़ेगा और अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी कि हम आम लोग हैं, किसान परिवार से आते हैं। इसका मतलब यह नहीं जिसकी मर्जी आई, जिसके मन में जो बात आई वो अन्याय करना अपने साथ शुरू कर देंगे। अपन कभी भी अपने इस धर्म के खिलाफ, अपनी इंसानियत के खिलाफ अन्याय नहीं होने देंगे। इसके लिए मैं राजस्थान से चल के यहाँ आया, मेरे को जगह जगह पुलिस वालों ने रोका, घंटू मेरे को इंतजार कराया। मैंने कहा मैं कौन सा कोई अन्याय करने जा रहा हूँ क्या किसी के साथ, न्याय की लड़ाई में शामिल होने जा रहा हूँ, क्योंकि यदि आज मैं इन लोगों के साथ शामिल नहीं हुआ तो मेरा जमीर हमेशा मेरे को कहेगा कि जिस परिवार से, जैसे परिवार से, जैसे गांव से आता है, जिन लोगों ने चुन के आप लोगों को स्थापित किया है, उन लोगों के लिए आप क्या करते हो, ये सोचना चाहिए अपन लोगों को। ये इतिहास बन जाएगा, इस अन्याय को अपन शुरू होने से पहले यदि खत्म कर देंगे तो आम भाई बहनों के साथ ये अन्याय करने से पहले बहुत बार सोचेंगे क्या इस अन्याय के खिलाफ अपन लड़ पाएंगे मजबूती से, इन भाइयों और बहनों के साथ अपन मजबूती से खड़े रह पाएंगे। जब तक इनको न्याय नहीं मिलता है अपन लोगों को इनके साथ मजबूती से खड़े रहना, इनके हक की बात करनी है, हित की बात करनी है, ये या न्याय की बात मांग रहे हैं। सोचिए इन्होंने इस देश के अंदर इतनी प्रसिद्धि पाई, ये हजारों करोड़ों दिलों की धड़कन बन के बैठे हिंदुस्तान के अंदर, ये लोग यहाँ क्यों आए, ये लोग तो मेडल लाए हैं। इन लोगों को यूं लगा होगा कि मेरे जैसी बहन बेटियां कैसे आगे बढ़ पाएगी जो मेरे जैसे किसान परिवारों से आती है, ये शोषण करने वाले लोग आने वाले समय में इनको यदि नहीं रोका गया तो किस आधार पर शोषण करेंगे। उस शोषण के खिलाफ अपन लोगों को मजबूती से लड़ना है, उस ताकत के अंदर मैं कहता हूं आज इतने आप बड़े बुजुर्ग लोग यदि इस समय में यहाँ आके बैठे हो
तो हम नौजवानों को तो पूरी दिल्ली को जाम कर देना चाहिए आने वाले समय के अंदर, और मजबूती से और ताकत से सरकारों के खिलाफ अपन सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। मैं जब राजस्थान राजस्थान का सबसे बड़ा तो कि मेरे को भी बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी, तो मेरी आदत है शुरू से अन्याय के खिलाफ लड़ने की। जब इन भाई बहनों को मेरे को भी मदद मिली थी ताकि मैं उस न्याय की लड़ाई में लड़ पाऊं, मेरे कई मंत्रियों के बच्चे सरकारों के खिलाफ मैं चुनाव लड़के मैं किसी पार्टी से नहीं आता हूं, मैं किसान परिवार के उन बहन बेटियों की ताकत में ही वहां अध्यक्ष चुना गया। और आज उन लोगों के लिए देश और प्रदेश के मेरे किसी भी कोने में यदि किसान परिवार के बेटे बेटियों के साथ कोई अन्याय होता है तो मैं जितनी मेरी ताकत है पूरी ताकत से लड़ने के लिए जाता हूं। राम राम सा।